क्या आपके नींबू के पौधे से जो है फूल फल बनने से पहले ही गिर जाते हैं? आपके सामने भी ये समस्या आती जाती रही होगी। तो आज हम आपके साथ कुछ ऐसा फर्टिलाइजर शेयर करने वाले हैं जो नींबू की इस समस्या को हमेशा के लिए दूर कर देगा। दोस्तों, आप हैं चैनल होम गार्डन पर, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र। आज हम नींबू के पौधे के लिए विशेष केयर टिप्स और विशेष फर्टिलाइजर बनाने का ये वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नींबू के पौधे से फूल गिरने से कैसे रोका जाए। इसके लिए आपको कुछ विशेष देखरेख की ज़रूरत होगी, जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। किसी भी पौधे के लिए तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, धूप, पानी और खाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके नींबू के पौधे पे ज़्यादा से ज़्यादा फल बने, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका नींबू का पौधा ऐसी जगह हो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा धूप आ सके। कम से कम 5-7 घंटे की धूप तो नींबू के पौधे को मिलनी चाहिए। हमारा ये नींबू का पौधा ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पर सुबह की 5-6 घंटे की तेज़ धूप इसे बड़ी आसानी से मिल जाती है। पौधे धूप की सहायता से ही जो है भोजन बनाते हैं। अगर पौधे को धूप नहीं मिलेगी तो पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे, और अगर भोजन की कमी रहेगी तो पौधा जो है फूल बनाता ही नहीं है, और अगर फूल बनेगा भी तो फल बनने से पहले ही वो गिर जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आपका नींबू का पौधा आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा धूप उसे मिल सके। नींबू के पौधे से फूल गिरने का सबसे बड़ा कारण होता है वाटरिंग। जी हाँ, नींबू में कभी कभी पानी की अधिकता से और कभी पानी की कमी से फूल गिर जाता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि नींबू में कब और कितना पानी देना है। देखिए, जब नींबू पे फूल आए तो उस समय आपको जो है वाटरिंग सीमित करनी है। सीमित से मतलब यह है कि आप जब भी पानी दें तो भरपूर पानी ना दें, थोड़ा थोड़ा करके पानी दें। सुबह थोड़ा सा दे दिया, शाम को थोड़ा सा दे दिया, और सप्ताह में एक दिन भरपूर पानी दें, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि प्रतिदिन आप पूरा जो है गमला भर दें या ज़मीन को भर दें। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो क्या होगा कि पौधा बहुत ज़्यादा पानी अवशोषित कर लेगा, और उस स्थिति में पौधे की ग्रोथ होने लगेगी, और जब पौधे की ग्रोथ होगी तो वो फल पे नहीं आएगा, फूल गिरा देगा, फल में तब्दील फूल नहीं होगा। तो ध्यान रखिए कि सप्ताह में एक दिन खूब पानी दीजिए, और प्रतिदिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जो है पानी देते रहिए, जिससे आपका फूल सूखकर भी नहीं गिरेगा और पानी की कमी से भी नहीं गिरेगा। आपने नींबू के पौधे पर धूप का भी ख्याल रखा है, वाटरिंग भी सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने फर्टिलाइजर सही तरीके से नहीं दिया तब भी आपके पौधे से जो है फल नहीं बनेंगे। तो आज एक घरेलू फर्टिलाइजर बनाना बता रहे हैं हम। इसे बड़ी आसानी से आप घर पर बना सकेंगे और यूज़ कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जहाँ पर भी आपका नींबू का पौधा लगा है, वो चाहे पॉट में हो या ज़मीन पर, सबसे पहले एक हल्की गुड़ाई कीजिए, करीब 2 से 2.5 इंच गहरी। और गुड़ाई करते समय ये ध्यान रखिए कि ऊपरी रूट्स थोड़ी सी निकल आनी चाहिए। आपके जो प्लांट है नींबू का, उसमें जो है रूट्स ऊपर दिखनी चाहिए। गुड़ाई करने के बाद आपको एक गड्ढा सा तैयार करना है, जो है मुख्य तना, उसके आसपास एक हल्का सा गड्ढा 1 से 2 इंच गहराई। और उसके बाद इस गड्ढे में थोड़ी सी गुड़ाई करने के बाद इसे छोड़ दीजिए 12 से 24 घंटे के लिए, जिससे इसमें अच्छी तरीके से धूप लग सके और साथ ही साथ हवा भी इसमें जा सके। तो चलिए हम इसे छोड़ देते हैं। कल हमने एक गड्ढा तैयार किया था, आज गड्ढा सूख गया है, इसमें अच्छे तरीके से धूप लग गई है। और अब हम अपना एक घरेलू फर्टिलाइजर, जिसे आप सभी जानते होंगे, गोबर खाद। सबसे पहले आपको गोबर खाद लेनी है 100 से 200 ग्राम, और जो हमने गड्ढा तैयार किया था इसमें इसे आपको जो है डाल देना है। और डालने के बाद जो मिट्टी है चारों तरफ, जो मिट्टी निकली है गड्ढे में से, उसी मिट्टी से आप इसे हल्का सा कवर करेंगे, पूरा कवर नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम इसमें एक और फर्टिलाइज़र यूज़ करने वाले हैं, उसके लिए हम इसमें थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने गोबर खाद दिया है। गोबर खाद फुली डीकम्पोस्ट होना चाहिए। कंपोस्ट आप दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, लेकिन जो भी आप खाद अप्लाई करेंगे वो ऑर्गेनिक हो, साथ ही साथ वो फुली डीकम्पोस्ट होनी चाहिए। अब हम आपके लिए एक ऐसा घरेलू फर्टिलाइज़र बनाना बताने जा रहे हैं जो काफ़ी काम आने वाला है नींबू के लिए। आपके पास होना चाहिए एक उपला जो कम से कम 3 से 6 महीने पुराना हो, साथ ही साथ प्लास्टिक का एक टब
और उस टब में आप यह उपला तोड़कर डाल लीजिए। उपला जो है गोबर से तैयार किया जाता है, वो चाहे भैंस का हो या गाय का हो। 5 लीटर पानी आपको इसमें डाल देना है और इसे छोड़ देना है लगभग 3 से 4 घंटे के लिए। यहाँ हम आपको बता दें कि उपले से तैयार खाद में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, जो नींबू के पौधे के लिए काफ़ी फायदेमंद हैं। तो लगभग 4-5 घंटे के बाद आपको क्या करना है कि इसे छान लेना है, और छानने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो होगा एक लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है नींबू के पौधे में जो है न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करेगा, साथ ही साथ पानी की मात्रा को भी बढ़ा देगा। इसे यूज़ करते समय ये ध्यान रखना है कि फिर ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। सप्ताह में 2 बार इसे यूज़ करना है, 15 दिन में 3 बार इसे यूज़ कीजिएगा, उससे ज़्यादा आपको इसे यूज़ नहीं करना है। तो एक बार में आप 2 गिलास लगभग 200 ml इसे दीजिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। 1 गिलास हम तने के पास देंगे और उसके बाद 2 गिलास हम तने के चारों तरफ जो है जहाँ मिट्टी है उसे बिखेर देंगे। तो ये वीडियो मैंने आपको जो बताया, सबसे पहले आपको केयर का भी ध्यान रखना है, धूप, पानी और फर्टिलाइज़र। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप फर्टिलाइज़र दें तो उसमें गोबर खाद ज़रूर दें, जो मिट्टी में मैंने दबा दिया है वो धीरे धीरे जो है न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करता रहेगा, और स्पेशल फर्टिलाइज़र जो है पौधे को बूस्ट करेगा, उसे मजबूत करेगा फल तैयार करने के लिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप और क्या देखना चाहते हैं।